एड्स पॉजिटिव मरीजों को मिलेगा पेंशन का सहारा, 2250 मिलेंगे प्रति महीने। सरकार ने एड्स पॉजिटिव मरीजों को राहत देने के लिए पिछले साल घोषणा की थी, उन्हें प्रति महीने पेंशन के रूप में मानदेय दिया जाता है। घोषणा होने के बावजूद एड्स पीड़ित मरीजों ने फॉर्म भी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। यही कारण था कि जिला सेंटर पर ये लोग अपनी फाइल देकर आ रहे थे, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के पास मैसेज आ गया है कि जो लोग फाइल देकर गए हैं उनका डाटा अपलोड करना शुरू कर दें। विभाग के आदेश के बाद अब स्थायी अधिकारियों ने डाटा अपलोड करना शुरू कर दिया है। एड्स कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारियों ने यह काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अब उम्मीद जग गई है कि एड्स पीड़ित मरीजों को भी मानदेय मिलेगा, सहायता राशि मिलेगी। जिले में अब तक केवल 330 एड्स पॉजिटिव मरीजों ने ही फाइल जमा कराई है। लगातार एड्स पॉजिटिव मरीजों को बुढ़ापा पेंशन के तौर पर पेंशन दी जा रही है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि हरियाणा में अगर जो सभी लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी तो एड्स पॉजिटिव मरीजों को भी 5100 ही पेंशन के तौर पे दी जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहे हैं एडी न्यूज़ से। एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।